हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की सुबह हो रही है अथॉरिटी में बैठ के, आरटीओ ऑफिस में बैठ के, वो भी सराय काले का, क्योंकि आज चेला खुश है। ऐसा कुछ हो रहा है जैसे नई दूल्हा लेने जा रहा हो, जिसके लाइसेंस के चक्कर में जितने धक्के खाए इतने अपने के लिए नहीं खाए होंगे मैंने। अभी वेटिंग एरिया में बैठे हैं, इसकी सारी वेरीफिकेशन करा दी है, इसका टेस्ट होना, देखते हैं मौका मिला तो दिखाएंगे। पिछली बार आर्ट नहीं बना पाया था, इस बार बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। ज़िंदगी में आर्ट की बहुत ज़रूरत है, आर्ट बनाना सीख लें। आर्ट और जूते कभी भी बनाना पड़ जाता है ज़िंदगी में। तो अभी देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। वैसे रश तो ज़्यादा है नहीं है, देखो तो कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, इसके कुछ खिलाया भी नहीं, बस उठा के ऐसे बुला लिया इसने मुझे। चेले कर्म भूमि में जाना, लड़के आना अच्छे तरीके से। अरे आठ नहीं बनाना तो आठ डंडे पेलूँगा तेरे में, दूसरी बार है तेरा, ठीक है? पेल नहीं होना चाहिए, वो तो पूछ ले। ये ओपन कर देंगे ना, जाना तो इधर ही है तूने। ये होने वाली है इनकी रेस, इतने सारे बंदे ट्रायल के लिए इतनी देर बाद, वो भी चेला भी नहीं। मैं मिक्स अपना ये खोल दिया भैया ने दरवाज़ा, दू चलो सारे सही चला रहे हैं, वहाँ बहुत सारे फेल होंगे। ये खड़ा अपना चेला, बंदों की ट्यूशन स्टार्ट होगी, नए इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। अब स्कूटी निकल जाएगी बड़े आराम से, छोटे तरीके पहले ही चला। चल चल चेले निकाल देगा, निकाल दे, सब तो निकल गए, निकाल दे, निकाल दे, वेरी गुड। चल 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 चल, खेलिए 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 खेलिए, टिकाई मत, बस पास बन गया। तू तो फेल हो गया, चेले बना दिया तूने आठ, कहाँ से सीखी है? अबे हेलमेट तो लेना है भी उनसे, मेरा वाला भी तो ले लें, लेना नहीं है, बना दिया भाई। मुझे लग रहा था एक बार कोई फेल ना हो जाए, लेकिन उसके बाद इसने सीन कर दिया था। अब एक भाई को हेलमेट दिया था थोड़ी देर के लिए, भाई उसका भला हो जाना चाहिए, उसका हो जाना चाहिए। अब वो आ जाए तो फिर हेलमेट लेके निकलते हैं घर। बहुत देर हो गई भाई, 10 बजे के आए हुए, 2:30 बजने को जा रहा है। नहीं वो भाई तुम्हारा स्कूटी से भी नहीं हुआ यार, क्या वो पैटिक गया था? चेले सही है, तूने मेहनत बेइज्जती नहीं कराई है, बहुत पीड़ था तुझे, डंडे बजते दूसरी बार तेरे में। तो गाइस अब मिला है आराम करने का मौका, क्योंकि भाई साहब के लाइसेंस और ये देख रहे हैं व्लॉग हमारा, और ये मेरे से सवाल कर रहा है। क्या सवाल कर रहा है भाई? कृतिका कौन है? नहीं ये सवाल कर रहा है, कृतिका तो खैर कोई भी नहीं है। और आज फिर से कमेंट कर दिया भाई ने, भानु ने देख ना लिया यार कमेंट, भाई पता नहीं कहाँ से स्टोरी बना रहा, शायद उसके बारे में बाद में बात करी जाएगी। ये मेरे से कह रहा है चाय फटती कैसे है, मंगे जैसे तेरी सेम वैसे। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे फटने में आवाज़ नहीं आती? वही है तेरी नहीं दूध, दूध के फटने पर आवाज़ आती दुम। आ गई मैं घर, इतने फोन किए एक भी फोन नहीं उठाया, अरे हाँ सोए पड़े देखो। ओए फिर मुझे पता चली तुम्हारे बारे में आज एक बात। क्या है? तुम लेने क्यों नहीं आया मुझे इतने फोन करे? थक रहा था यार सुबह से, तो थक रहा था। और सुनना जरा कितने गंदे, इतना कमेंट आया इतना लंबा। अरे क्या कमेंट आया, वही वाला ना जो वो वाला उस भाई ने जिसने कल करा था, वही कह रही हो ना भाई, मजाक है। पौने सात बजे, सही में तुम पौने सात बजे ही जाते हो जिम? पौने सात जाता हूँ मैं, हाँ 7:30 बजे जाता हूँ गाइस मैं जिम। तो वो पौने सात यार, लेकिन उसमें एक बात थी, ये मुझे लग रहा है जिम में से कोई बंदा है भाई, उसने कमेंट कर रखा था भाई कल तुमने बैक मारी, तो कल मैंने बैक का ही वर्कआउट करा था। हाँ पता नहीं लोग कैसे कैसे कमेंट्स करते दूसरे का घर छुड़वाने के लिए, है ना? हाँ मतलब तुम्हें समझ में आ गई ना? नहीं यार मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है, मेरा पति ऐसे नहीं हो सकता। आज मैं जाऊंगा, अब मैं तुमने मेरे पे शक करा ना, अब देखो मैं कहाँ जाऊंगा, आज मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, देखना जरा तुम शट अप, देख लेना नहीं तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मत किया करो, नहीं तो ना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी यहीं पे, देख लेना। अब तुम मैं तुम्हें मिलूंगा ही नहीं, कहाँ जाओगे? मिलूंगा ही नहीं मैं तुम्हें, कहाँ जाओगे? देख लेना बस। चलो हाँ से फालतू की बातें करते रहते हैं, जब देखो लेने भी नहीं आए, तानिक किस उसमें रहते हैं। ओए
मैं तुम्हें कभी नहीं देने आऊंगा। देखो मैं ना इनके लिए आइसक्रीम लेके आई हूँ आज। मैं रोज खिलाता हूँ। तो मैं आज लेके आई हूँ बेबी, लेके आऊँ आपके लिए? मोमोज खाऊंगा मैं तो यार। वैसे कोई इतना मैसेज करेगा वो झूठ नहीं बोलेगा मुझे सच में। एग्जैक्टली यार वही वही बोला है। नहीं तो मैं खाता भी नहीं हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं, देखना कहाँ जाओगे। देख वो तुम्हें आगे पता लगेगा मैं कहाँ जाऊँगा। चल बकवास करते हैं, वीडियो भेजूंगा। शट अप। गाइस अभी तुम्हारा भाई आया है एक ऐसी जगह वहाँ से थकने हारने के आराम करने के बाद में डायरेक्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मुझ पर इतना शक करती है वो मानू तो। आज मैं उसको कहने वाला हूँ कि टाटा बाय बाय। अरे गाइस मजाक कर रहा हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे एक शूट लोकेशन देखने, क्योंकि हम लोग ना कुछ डिफरेंट वीडियो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन लोगों की जो टीम है ना, भाई लोगों की, तो वही यहाँ पे आई है। और ये देखो ये है लोकेशन। तो गाइज कैसी लगी लोकेशन? बाकी वीडियो आपको पता लगेगी, मैं लिंक डालूंगा। अभी कल से शूट स्टार्ट होने वाला अपना यहाँ से। हाँ ये इससे वो सिनेमैटिक लेके ना, इसमें लिखा ऊंचाई 210। तो चलो गाइज बाकी आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। लोकेशन मैंने अभी एक लोकेशन दिखाई है, बहुत सारी लोकेशन हैं, सारी अभी रिवील कर दूँ तो मज़ा नहीं आएगा, तो उसको वीडियो में देखना। A few moments later. मैं जस्ट अभी आया बाहर से और मैंने देखा कि रूम की लाइट बंद है और ये सोई हुई है। मैंने ज़बरदस्ती इसको उठाया, पहले तो उठने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करती क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है इसे। फिर मैंने इसे पूछा कि तूने खाना खाया है? नहीं खाया तो मना कर दिया, तो मैंने इसको अभी जस्ट ला के खाना दिया। खाना क्यों नहीं खाया था? इसको ना मैं बताता हूँ, उसको ना डिहाइड्रेशन की वजह से ना जो है वो चक्कर आते हैं, क्योंकि भाई देखो नॉर्मल डेज में भी हमें अपना वाटर इंटेक और फूड इंटेक पूरा रखना पड़ता है, लेकिन इसके साथ में क्या सीन है, ये नॉर्मल डेज में पूरा नहीं रखती, तो ये अब तो प्रेगनेंसी डेज में तो और ज़्यादा इशूज़ होते हैं क्रिएट। क्योंकि मैं तो इसको बोलता हूँ कि हर दो घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, ज़रूरी हो जाता है भाई, लेकिन आज आपको समझ में आ गया होगा कि सारी चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी है, खाना वगैरह भी बहुत ज़रूरी है। और देखा था ना तूने कितने फ़ोन करे थे, मैं पहुंच गया था कहाँ पे आज? अब ये शक नहीं करती मेरे पे, आज मैं पहुंच गया था ट्रेन। अरे वो मैंने बताया इनको कि मैं ना लोकेशन के लिए गया था रिवील करने की, मतलब वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो का शूट है ना वो हम करने वाले हैं, तो और भी बहुत सारी लोकेशन हैं, तो कल हमारी वीडियो का शूट है, पहला शूट कर लें। हाँ हमारी टीम है पूरी, एडिटिंग टीम है। आई होप सो कि यार कंप्लीट हो पाए, क्योंकि बंदे बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं। देखो ऐसा भी ना हो ना कि मैं बताऊँ आप लोगों को व्लॉग में और फिर उसके बाद में आप बोलो कि वीडियो नहीं आई। और भाई आपने कड़ी मेहनत कर ली, अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब ये कोई भी बात को सच नहीं मानने वाली। और आज मैंने जिम में भी बंदों से पूछ लिया, भाई जिम में कोई ऐसा बंदा नहीं है, ठीक है ना? तो तुक्का मत बेड़ो भाई, तुम्हारे तुक्के फिट बैठ रहे हैं कहीं कहीं, जैसे कि तुमने तुक्का मारा कि मैं कल बैक मार रहा था। मैंने सच में बैक का वर्कआउट किया था कल, और मे भी कि तुम नाम चेंज करके बता रहे हो कुछ भी। इतना यकीन तो है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। कैसा मतलब? किसी और के साथ ऐसे? नहीं मोमोज तो मैं खा सकता हूँ। नहीं खा सकते। किसी के साथ में खाना खाने में क्या इशू है भाई? कह रहा है एक तरफ कि भाई वो सिर्फ दोस्त है, वो भाई मैं नहीं बनाता। मैं बताऊँ इसको, ये भी पता है कि लड़के तो छोड़ो, मेरे लड़के भी दोस्त नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं जिस तरीके की लाइफ जी रहा हूँ ना, वो मुझे ही पता है कि मेरे लाइफ में बस एक फ्रेंड है, और वो फ्रेंड ऐसा, वो वाली बात सुनी है तुमने, फ्रेंड नहीं वो मेरा भाई है, सच बताऊँ तो बिल्कुल मेरी एज का, बिल्कुल मेरा भाई। क्योंकि एक दोस्त 17 दोस्त बना लो उन्हें चलाना मुश्किल है, एक दोस्त 17 साल चला लो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरे साथ कहानी वही है, जब मैंने ये लगा लो पेन पकड़ना सीखा था, तब वो मेरा फ्रेंड बना था। आपने व्लॉग्स में भी कई बार देखा होगा, मूवी वगैरह जाते रहते साथ में, फैमिली में भी आता जाता है वो, है ना भानु? देखा ना कितना सही है वो आदत का। तो वही मेरा फ्रेंड है, और उसी के साथ उठना बैठना सब कुछ है, जिम वगैरह सब उसी के साथ ही है। तो भाई ऐसा बंदा है कि बिल्कुल घर परिवार सबको पता है, मतलब बिल्कुल चड्डी बड्डी फ्रेंड है। तो वही एक मेरा फ्रेंड है, और उसके अलावा कोई फ्रेंड नहीं है। तो इसको कुछ भी कमेंट कर लो गाइज, अब इसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट बीच बीच में कई बार हरकतें कर जाती है, फिर इसे बाद में खुद में समझ में आ जाती है। हरकतें शकबाजी
कभी हो जाता है, कभी कभी क्यों हो जाता है जब मेरे से नहीं होता। अब क्या खाना है, कुछ खाना है और रोटी और लाऊं? कहते केयर नहीं करता, फुल केयर हो रही है ना, कितना भी कर ले तूने तो मैंने मेरे पे इल्जाम ही लगाने हैं वैसे भी। क्या इल्जाम लगाती है, खुद बोलती है कि मैं सारा इल्जाम तुम्हारे सर डाल देती हूँ। नहीं यार और क्या। तो गाइस चलो जो भी है ठीक है भाई, हर लड़के का फर्ज होता है करना, सभी लड़के जानते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के लिए भी करते हैं, बट शादी के बाद थोड़ी मुश्किलें हो जाती है भाई, वो बीच में फंस जाते हैं, और बस यही है और क्या है, बाकी मैनेज करने की कोशिश करते हैं दोनों तरफ से, और मैनेज होता भी है, बट अ मैन इज़ अ रिस्पॉन्सिबल और वुमेन इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस, चिल्ड्रंस एंड मैनी मोर। तो गाइज सबके अपने अपने रोल्स हैं, कोई भी बुरा मत मानना, और भाई तुम कमेंट करते रहना, मज़ा आता है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के। तुमने आज जो स्टोरी लाइन बनाई ना, बड़ी लंबी तक नहीं बनाई, उसको पढ़ने के बाद मेरे को ही नहीं, मेरे साथ में जितने थे सबको हंसी आई। तो आज का व्लॉग करता हूँ मैं यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय हिंद।